अभी कह रहे हैं कांग्रेस नीचे जा रही है, देखो बीजेपी काम कर रही है, पर आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहे। वो क्या करते कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले अच्छे लोग बरचम की आ रहे हैं, देखते क्या करते हैं, पर अभी तो उससे हमें लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत। ये विश्वास हमारे मन में आना आवश्यक है, हमें रणनीति बनाओ तो हम अंधेरे में तीर ना चलाएं। अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो हम चुनाव में उतनी अपनी जान ना डालें, और अगर जीत रहे हैं तो कोई कसर ना छोड़े, ये बताना बहुत आवश्यक है। तो कार्यक्रम को इसी तरह से निरूपित करें कि हम इस रणनीति पर चर्चा कर लें और इसके बाद सबके सवालों के जवाब दें। पश्चिम साथियों देखो अपनों को क्या है कि इस बार चुनाव लड़ना है तो लड़ना नहीं जीतना है, और हम जीतेंगे। क्योंकि आपको बता देता हूँ कि अभी तक लोग जो है वो बीजेपी से बहुत परेशान थे कि हमारे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कांग्रेस के अलावा, और तीसरा विकल्प आया है अब की बार, और इस विकल्प को अपन अच्छे से बुना लें तो अपने पास है बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग हैं, और उनके साथ जीत सकते हैं। अपन इस बीकानेर शहर में अगर बात करूँ मैं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा नेटवर्क 10,000-20,000 लोगों तक है, उन लोगों से मैंने बात की है, बिल्कुल हम लोग जीत रहेंगे। तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक रणनीति की जरूरी है, और रणनीति से अगर थोड़ा थोड़ा भी काम करें ना तो उसका आउटपुट आएगा अपने को, ये एकदम 101% श्योर है। और भी कोई साथी अगर कुछ एक आपको राजस्थान में क्या काम करना चाहो, हाँ मैंने दो ताकि जनता तक पहुँचाओ बात। लोग मैंने पूछा क्या कर सो थे, अरे क्या कर सी कौन कर सी, क्योंकि शहर में हो जाए जो एक मात्र रात में हूँ जो क्या है सब तरह से फेसबुक पर धनबाद जी आधार मीडिया बड़ा रहा राम पार्टी का बैठो। तो मैंने एक तो आदमी हो कि दिल्ली में हो काम करी होगी, राजस्थान में हो काम करना चाहता हूँ, मेरे बाद हमारे बीकानेर कोई भी चाहे कि कोई तकलीफ चर्चा उसी करी हुआ साके तो रोड में यह मैंने देना जरूरी था, क्यों घर जनता को बोलता रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज सांगवान है। वैसे अपने इतने बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बोलने जरूरत तो है नहीं, सिर्फ तीन बातें बोलूँगा। पहली बात कार्यकर्ता सब कह रहे हैं कि आपका है तो अगर है तो हम करेंगे, कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता बनाने हैं, जितने हैं वो अच्छी बात है लेकिन अभी और बनाने हैं। अगर यही मान लिया कार्यकर्ता है हमारे पास में तो चलो काम खत्म हो गया, करेंगे क्या फिर। पहली बात तो ये कार्यकर्ता कुछ नहीं, 10 गुना करना है ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये है पिछले साल से मेरे जो है राजस्थान पार्टी काफ़ी ख़राब रहे, कारण जो भी हो चर्चा नहीं करेंगे उस पर, लेकिन काफ़ी ख़राब रहे, काफ़ी कार्यकर्ता निराश हो गए, तो छोड़ गए वो अलग बात, नहीं छोड़ गए वो भी निराश। मैं एक बात कहूँगा हमें याद रहे हमारी पहचान के हम गांधीवादी हैं ठीक है, लेकिन मोदी क्या कहते हैं नक्सलवादी, हमको वो बंदे हैं एक बंदा लेके पोस्ट चल जाता है, ये देख रहे पीछे कितने बंदे आ रहे हैं, नहीं एक बंदा भी है चलो कपिल का ही तैयार है, वो जो हमारा पहचान है एक सही तरह चलने हमें वो भी याद करनी है, क्योंकि वही चीज़ है कि यार एक बंदा आया बोले जाके जिसको हाँ हम अपन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आत्मविश्वास वो बहुत जरूरी है। बाकी जो रणनीति लड़े जो भी बनेगी मैं इतना ही कहूँगा कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मीटिंग निश्चित होकर 7 घंटे में होनी चाहिए, रेगुलेटरी जब तक नहीं होगी काम नहीं हो पाएगा। साथी जिनका कोई सवाल हो एक बार बता दें उसके बाद सवाल तो मैं सीधे इस विषय पर आता हूँ, जिस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी यहाँ बचे वो जब यहाँ से जाएं उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हम चुनाव जीत रहे हैं और कैसे जीत रहे हैं, और उसमें कोई शक सवाल दोबारा पूछ तीसरी बार पूछ। अगर आपके मन में विश्वास नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे। पहला चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने दिल्ली में इस्तीफा दिया, दूसरे चुनाव के पहले की बात। आज जो माहौल राजस्थान में है इससे 10 गुनी खराब हालत दिल्ली में थी, नेगेटिव
सारे लोग घोड़ा घोड़ा कह रहे थे, मतलब मिला। उसने हमें विश्वास दिला दिया था, हमारा कार्यकर्ता था कि सर क्या वो इस्तीफा दे दिया यार। मतलब हमें लग रहा था इस्तीफा देते वक्त कि लोग कहेंगे भाई लाल बहादुर शास्त्री ने जो किया था वो आप अरविंद केजरीवाल ने किया, आरएसएस का हमको ढोकला। हमारा मोराल एकदम डाउन था। मैं डीएससी का मेंबर था, इलेक्शन कैंपेन ग्रुप का जो यहाँ कैंपेन कमेटी हुई, जो ग्रुप का जो हम लोगों ने एक सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद सुबह 7 बजे अरविंद जी के घर पर मीटिंग थी। अरविंद जी सफेद कुर्ता पजामा पहने बहुत निराश, हम लोगों ने बोले काम वाम करने से कुछ नहीं होता सर जी, काम वाम करने से कुछ नहीं होता। देखो ये मनीष इतना काम करता रहता है, 11% वोट मिल रहे थे, सर्वे कह रहा 11%। तो किसी ने कहा नहीं लोगों को हमसे उम्मीद है, बोले नहीं है उम्मीद, कल थी उम्मीद उन्होंने वोट दिया था, आज मोदी से उम्मीद है उसको वोट दे। लोग जिंदगी भर के लिए आपसे बंधे हुए नहीं है, जिस दिन उम्मीद थी उन्होंने वोट दिया था आपको, आप कुछ भी नहीं थे, आज आप कुछ हैं उनको उम्मीद नहीं है, उनको वोट दे। तो सर जी क्या लगता है हमारे बड़े जिम्मेदार साथी हिंदी की बड़ी जिम्मेदार थी, उनका क्या लगता है आपको कैसा रहेगा? बोले जी है तो बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 20-22 सीटें अपनी कहीं नहीं गई अगर हम मेहनत कर लेते ठीक से। बोले आप जो है ना इस्तीफा दे दीजिए, अगर आप 20-22 सीट का चुनाव लड़ा रहे हो तो हमें दुनिया की कोई ताकत भगवान की चुनाव जिता नहीं सकती। पहले आपके पास रणनीति होनी चाहिए, कितने की प्लान बना लिए और उसमें आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, ये पहली शर्त है जी। बोले मैं बता रहा हूँ ये सर्वे गलत है, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके आंदोलन को प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, ये सर्वे गलत है। कैसे मान लिया आपने सर्वे? मैं कहता हूँ मैं जिता के लाऊंगा, पार्टी जीत रही है हमारी, ये मनीष का ही सर्वे 11 सीट का गलत है, सोमनाथ भारती मित्रा इतनी सीटें अभी सर्वे में जीत रहे हैं, ये मेरा आज जब मुझे भेजा गया राजस्थान में प्रभारी बनने के लिए जब अरविंद जी की यहाँ रैली हुई, इसके बाद रात को अरविंद जी पहुंचे तो मैं उनके घर पे था, मनीष जी थे, आशुतोष भाई थे, 3-4 लोग थे, तो उन्होंने कहा बहुत ही पवित्र ये बसों में भर के लाए हुए भिड़ रही थी, राजस्थान चुनाव के लिए तैयार है, अब हमें स्टेप अप करना चाहिए, दिस टाइम स्टेप अप, और सारी ताकत को हमें राजस्थान में झोंक देना चाहिए, राजस्थान नंबर 1 स्टेट बनेगा। अरविंद जी ने कहा हम लोग क्या, हम लोग समझते हैं राजस्थान में बैठ के कम्युनिकेशन गैप है कि नितिन भाई को बदल दिया गया, बदला नहीं गया। अरविंद जी ने कहा कि सबसे मजबूत आदमी अब आप लगाओ, वहां पे जमीन तैयार है। इस रैली के बाद आकलन हुआ मनीष जी को तब भेजा गया। तो पहली बात समझ लीजिए कि पार्टी नेतृत्व का उस दिन यह आकलन था कि राजस्थान हमारा पहला स्टेट है, नंबर 1। नंबर 2 पंजाब चुनाव हम लौटे तो आप देखो, आप सब घर के लोग, मैं घर में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं, मैं बड़ी कैंडिड बड़ी खुली बात कर रहा हूँ, आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ इसकी गॉसिप ना बने, इसकी गपशप ना बने, बस मैं ही बोल रहा हूँ। बात ये हुई कि कुमार भाई के लोगों से नाश्ते, तो ये दूसरा मौका है पार्टी का नेतृत्व का मानना है कि राजस्थान हमारा जो घटनाक्रम हुआ सब आपके सामने। तीसरा मौका आया, शास्त्री जी बैठे हुए उपचुनाव के पहले शास्त्री जी ने मुझे संपर्क किया, मुझे बताया, बार बार बताया भाई राजस्थान की स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसी है, वहां बढ़िया स्थिति है, अगर हम इसको नहीं संभालेंगे लाखों कार्यकर्ताओं को धोखा हो जाएगा, उनकी हमें परवाह नहीं है, कार्यकर्ताओं का हमको धोखा होता हमें नुकसान होता हो तो हम लोग कोई फायदे के लिए आए नहीं, क्या नुकसान होता। 7.5 करोड़ लोग रहते राजस्थान में, अगर हम सरकार बनाते 7.5 करोड़ लोगों की किस्मत लिख सकते, उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकते, ऐसा बदलाव ला सकते कि कभी हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट रहने वाला स्टेट राजस्थान दुनिया का नंबर 1 स्टेट होगा, ये मौका हमें छोड़ देना चाहिए। अरविंद जी से चर्चा हुई,
आप भी गए और लोग भी गए। इसके बाद अरविंद जी ने फिर कहा कि मेरा विश्वास है कि राजस्थान नंबर वन स्टेट है, लेकिन क्या हमारे पास ग्राउंड से कोई रिपोर्ट है क्या? मुझे ये ड्यूटी दी गई कि मैं राजस्थान में जाऊं, स्टडी करके आऊं और बताऊं कि राजस्थान की क्या स्थिति है। मैंने जो दो चीजें यहां आकलन किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जीतू भाई, दो ही आवश्यक चीजें चुनाव जीतने की। पहली चीज, हमारे पास कार्यकर्ता है कि पार्टी के नेताओं से बात हुई, मैंने सब लोगों से आग्रह किया कि कितना कार्यकर्ता हमारे पास पूरे राजस्थान में, 12,000, 15,000, 7,000, 20,000 सबसे ऑप्टिमिस्टिक। पर मेरी जो जानकारी थी डेटा के हिसाब से यहां घूमने का, वो मेरी अलग जानकारी। कोटा में हमने सम्मेलन जब किया तो मैंने कहा 50 दिन में 50,000 कार्यकर्ता जुड़े। आज जब सब आदमी को, जिससे भी मैं मिलता हूं, अभी ये पवन जी बैठे हुए, इनसे पूछे इनका आपने खून भी लिया बिहार के उठते हैं, इनसे कहा कार्यकर्ता की सूची लगा। मैं, मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि अभी कई विधानसभाओं में लिस्ट आनी बाकी है और 1,26,000 कार्यकर्ताओं की लिस्ट है हमारे पास आज। और बीकानेर ने 2600 कार्यकर्ताओं की लिस्ट दी अभी, और बीकानेर के पास 11,000 की लिस्ट बड़ी हुई सामने बैठे, 12,500 की लिस्ट बड़ी, यानी वो 26,000 में 1,26,000 में और जोड़ दी। अभी आई नहीं है, अभी मैंने बोला कि पहली प्रायोरिटी में चाहिए वो, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो 200,000। अगर मेरे पास इसमें डुप्लीकेसी भी है, अगर मेरे पास 1,00,000 कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता का 1,000:1 है, 1,00,000 कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूं आज ना भारतीय जनता पार्टी के पास है ना कांग्रेस के पास, हमारे जैसा सोने का खरा कार्यकर्ता, जो खाना नहीं मांगता, पानी नहीं मांगता, आपने घर से लगा के धक्के और धूप में लू में, मतलब जहां गर्मी किसी ने देखी नहीं है, उस प्रदेश का आदमी आके बनारस मुंह में बांध के प्रचार प्रचार कर रहा है पागलों के तरीके से, वो हमारा कार्यकर्ता। वैसा 1,00,000 कार्यकर्ता ये आर्मी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल आर्मी है जो हमारे पास है। पहली शर्त ये एलिजिबिलिटी हम पूरी करते हैं। दूसरी चीज, मेरे पास बीज है, मेरे पास खाद है, मेरे पास पानी, मेरे पास सैपलिंग है, और ये धरती अगर बंजर है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये 1,00,000 कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर सकता अगर राजस्थान में हमारे लिए जगह नहीं है, राजस्थान के लोगों के दिल में हमारे लिए जगह नहीं है, तो फिर ये बेकार है। दो चीजें चाहिए, उपजाऊ होगी जमीन, आप उसमें सोना उगा दो, और बंजर होगी जमीन, आप कुछ भी करो। तो दूसरी स्टडी जो मैंने की, वो स्टडी की कि राजस्थान में आम जनता के बीच आम आदमी पार्टी के प्रति कितना रुझान है। इसके लिए हमने सैंपल मेंबरशिप अभियान चलाया, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार के, बिना किसी बैनर के, बिना किसी पोस्टर के, हमने छोटी सी इवेंट में रजिस्टर रख के और कहा जिनको मेंबर बनना है आए। आपको हैरत होगी, आपको हैरत नहीं होगी, लेकिन आप कैलकुलेट कर खड़ा होगा आपने इसको। 2 घंटे के अंदर चौराहे से गुजरने वाले 70 लोगों ने कहा ये मेरा नाम है, ये फोन नंबर है, ये काम मैं करता हूं, मेरे लायक जो काम हो बताइए, मैं पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूं। और ये अभी की बात है, अभी की, मैं आपको अभी की बात बता रहा हूं। मैं जब आया हूं यहां तक, मैं सिफोलॉजी समझता, सिफोलॉजी समझते हैं ना, चुनाव लड़ने का विज्ञान, मैं उसको समझता हूं। अगर